टर्न, वो तो वैसे भी नहीं है, रिटर्न पॉज। क्या जब तक गेम खत्म नहीं होगी तब तक हम यार गेम खत्म कैसे होगी ये पूछ रहा हूं, गेम खत्म कैसे, उसको ही मैं चेक कर रहा हूं। बस इस ड्रॉ की कंडीशन ये, अगर ये दोनों लूप खत्म हो जाते हैं तो यहां पर क्या रिटर्न होगा, रिटर्न होना चाहिए ड्रॉ। क्यों रिटर्न ड्रॉ चाहिए, इसका मतलब एक दफा भी यहां पर नहीं आया मतलब सारी की सारी इसको फील्ड मिली, ठीक है। अगर इसको एक भी अनफील्ड मिलती तो यही से रिटर्न पहुंच सकता, और अगर वो यहां आ गया इसका मतलब है कि दोनों लूप्स को एग्जीक्यूट करता हुआ आया, और उस केस में क्या करना चाहिए, इधर जो मतलब ड्रॉ हो गई, हां सो गेम ड्रॉ, इस वाला गेम, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो वाइल लूप है ये ड्रॉ या निशन का लगी चाहिए, ड्रॉ डबल इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। जब तक ड्रॉ फॉल्स रिटर्न कर रहा है तब तक हमें ये काम कर रहा है। ड्रॉ की कंडीशन यहां लगी, व्हाट अबाउट व्हेन, वेन ये कंडीशन चेंज टर्न से पहले होनी चाहिए या बाद होनी चाहिए, पहले क्यों, उसी के हिसाब से तो चेक करना है कौन जीता है, जिसकी टर्न चल रही थी वो ही जीता है ना, तो हमें एक्चुअली उसी के हिसाब से चेक करना है। मुझे बताओ क्या ये पैरामीटर काफी है, ये क्या टर्न भेजनी चाहिए या उसकी सिंबल भेजनी चाहिए, सिंबल सिंबल क्यों, सिंबल चेक करना है तो बोर्ड में सिंबल नहीं पड़ी हुई है, तो हमें ऑफ कोर्स यहां पर एक कैरेक्टर एस चाहिए जो कि सिंबल, ठीक है। ऑलराइट, इस और से चेक कर करेंगे क्या टर्न चेंज से पहले करेंगे या बाद, टर्न चेंज से पहले, टर्न चेंज के बाद करेंगे तो वो तो अगले वाले की टर्न चेक कर रहा हूं मुझे चाहिए ना, तो यहां पर हमें इफ यहां पर लगाना पड़ेगा इस बिन, और इस बिन में बेटा पैरामीटर क्या बैठना पड़ेगा, ऑफ कोर्स बी डायमेंशन, और तीसरा सिंबल है, वो सिंबल क्या होगा, यही बन गया। अगर ये इस बिन ट्रू रिटर्न करता है तो यहां पर ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो ये यहां पर ब्रेक हो जाए ना, और यहां पर नीचे भी मैसेज आएगा कौन सा प्लेयर जीत गया, जिसकी टर्न होगी वो जीत जाएगा है ना। लेकिन कोई बात बताओ, यहां पर जब वो आता है तो यहां पर तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, या वो ड्रॉ हुआ होगा या वो विन हुआ होगा, हमें पता कैसे चलेगा गेम ड्रॉ है गेम लूज़ है, या उसका करते जो ना ना ऑर्डर उस पे लगा ले, अगर वो क्या लगा दे टीम टू होगा और लगा दे ऐसे कोऑर्डिनेट कर दे सेंस लगा के हां सेट एंड सी आउट कर दे, तो एक तरीका यह है कि यही पर सी आउट करता है कि कौन सा प्लेयर विन कर गया, लेकिन ड्रॉ की कंडीशन क्या है, ड्रॉ तो फिर करना पड़ेगा, यहाँ पर वो आया वो ड्रॉ कर क्या है यार, अच्छा इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक तरीका ये है कि मैं कहता हूँ यहाँ पर ना मैं एक इंट वेरिएबल बनाता हूँ वी, उसकी वैल्यू है जीरो, ठीक है, और यहाँ पर ब्रेक करने से पहले मैं वी की वैल्यू मान रहा हूँ, यहाँ पर चेक करता हूँ कि v की वैल्यू 1 है या 0 है, अगर v की वैल्यू 1 है इसका मतलब है विन हुई है, अगर v की वैल्यू 0 है इसका मतलब क्या है, ड्रॉ। सुना है क्या, नहीं बड़ा तेज़ हो, अच्छा एक मिनट, अब आपकी बात इस विन सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया कि हमने विन है ना, ओके
इनमें से कोई भी अगर एक टू रिटर्न कर ले तो रिटर्न टू टू बस ना ठीक है। आई थिंक दैट विल वाला अल्दो के से सीम्स लाइक कि वो मुश्किल है लेकिन मुश्किल नहीं वो फैन वाला आपने किया ना यस यस ये बिल्कुल वही चीज अगर एक दफा भी अगर एक दफा उसको नॉन सिंपल वो एस ढूंढ रहा है अगर एक दफा भी एक कोई ऐसा सिंपल मिल जाए जो कि एस नहीं है तो वो रिटर्न पॉज कर अगर सारों में एस लिखा हुआ है तो उस केस में वो रिटर्न ट्रू है ठीक है। जो इस वर्टिकल लेन है या इस हॉरिजॉन्टल लेन है दैट्स ए नॉन ट्रिवियल फंक्शन राइट ये उसमें तुम्हें ये दे दी एक बात सुन ये एक आपकी एक रो ये आपकी दूसरी रो ये आपकी तीसरी रो ये आपकी चौथी मैं वर्टिकल में बता रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल में अगर आप एक रो में चेक किया ठीक है आई वुड सजेस्ट कि आप यहां पे काउंटिंग करते हैं कि अगर आप यहाँ पे ये सारी काउंटिंग करें अगर काउंट की वैल्यू डायमेंशन के बराबर आ गई यानी किसको काउंट आप सिंबल काउंट जा रहे हैं इस रो में कितने सिंबल आए अगर आप पूरी रो से स्कैन थ्रू कर लिया आपने अगर काउंट की वैल्यू क्या आ जाए कि इसका विन हो जाए डायमेंशन अगर डायमेंशन आ जाए तो रिटर्न फॉर टू हो जाएगा अदरवाइज आपको रो टू चेक करनी पड़ेगी यानी आपका लूप अभी तक चलता रहे जो रो वाला लूप ऊपर लगा हुआ है वो फिर भी चलता है यदि एक आपने एक रो के लिए पूरी कॉलम का लूप चलाया और फिर आपने और वहां पे आप काउंटिंग करते गए अगर उसके काउंट की वैल्यू डायमेंशन आ गई तो फिर तो यू आर पॉइंट आप यू कैन इमीडिएटली रिटर्न टू क्योंकि इस रो में वो जीत गया एल्स यू हैव टू फर्स्ट जो काउंट तुमने बनाया था उसको दोबारा रीइनिशियलाइज कर दो फिर वो करना बहुत जरूरी है और दोबारा से वही अगली रो के लिए वो लूप चलते ठीक है। और जब अगर उसमें काउंट फोर आ जाता है डायमेंशन आके बराबर आ जाता है तो उसमें जीत गया अदरवाइज वो अगली रो के लिए वेट करेगा ये काम वो कब तक करेगा इसीलिए वो जितनी डायमेंशन है उतने रो के लिए करेगा अगर वो उसमें से किसी एक पे भी टू रिटर्न नहीं कर सकता तो क्या करेगा ये तो इस वर्टिकल बिन ये इस हॉरिजॉन्टल बिन हमने किया फिर इसी तरह आपका इस वर्टिकल बिन होगा इस वर्टिकल बिन में भी यही काम करना है कि हर रो के लिए लूप चलाना है एक्चुअली हर कॉलम के लिए लूप चलाना है तो ये बनेगा ये हॉरिजॉन्टली चेक करना है तो हर रो के लिए हर कॉलम में चेक करना ये हर कॉलम के लिए हर रो में ये तो मेरे ख्याल में आई से मैं वो ऊपर ठीक है प्लीज आई वुड इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज आपके पास